आज मैं आप लोगों को बताऊंगी बचे हुए कपड़े से फॉल तैयार करना और साड़ी में लगाना भी। और बहुत लोगों से साड़ी में झोल जाता है, तो मैं आपको बताऊंगी किस टाइप से आपको लगाना है। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसी से हम फॉल निकाल के आप लोगों को हम बताएंगे। और ये हमारा साड़ी है, तो इसके लिए चाहिए आपको एक मैचिंग धागा। साड़ी से मैच करके आप देख लीजिएगा। और एक पतला सा सुई चाहिए, मोटा सुई आप नहीं लीजिएगा, पतला सुई ही आप लीजिएगा, ठीक है। और ये साड़ी को अभी हम साइड में रख देते हैं। तो पहले आप कपड़ा को देख लीजिए, तो देखिए कुछ इस टाइप से बचा हुआ है। देखिए इस तरह से लंबाई में बचा हुआ है। अगर आपके पास जैसे छोटा छोटा करके बचा होगा कम लंबाई में, तो आप दो तीन बार जोड़ जोड़ करके आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। हमारे पास देखिए कुछ लंबाई में बचा हुआ, तो इसमें हमारा कम जोड़ लगेगा। देखिए कुछ इस टाइप से बचा हुआ है। और ये कपड़ा हमारा सिल्क में है देखिए, और साड़ी हमारा जॉर्जेट में है। आपके पास अगर कॉटन का कपड़ा बचा होगा तो कॉटन का आप लगा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर फॉल कॉटन का ही रहता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि फॉल का जो लंबाई होता है वो 2.5 मीटर होता है, ठीक है, 2.25 मीटर या 2.5 मीटर होता है। तो आपको पहले इधर से नाप लेना है जिधर से हमारा सेंटीमीटर है, तो मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। देखिए ये जो हमारा लंबा में कपड़ा बचा हुआ है पूरा लेंथ में, वो 2 मीटर लगभग है, और 0.5 मीटर का हम इसमें जॉइंट करेंगे। अगर आपके पास जैसे छोटा छोटा बच्चा है तो 2-3 जोड़ लगा के आप बना सकते हैं, ठीक है। और फॉल की जो चौड़ाई होती है वो हम रखेंगे 5 इंच फिनिश में, ठीक है। तो यहाँ मैं ले रखी हूँ 6 इंच, 1/2 इंच हमारा ऊपर तरफ से मुड़ जाएगा और 1/2 इंच हमारा नीचे तरफ से मुड़ जाएगा, तो 5 इंच चौड़ाई में फॉल हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देखिए मैं कपड़े को इस टाइप से डबल कर दी, 6 इंच नाप लेकर के इसे हम सीधा करके कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैं कटिंग कर ली, और इधर से हमारा जो थोड़ा तिरछा लग रहा है कपड़ा जो पहले से कटिंग था, इसे भी हम डबल कर लेंगे। और इसे भी हम सीधा करके कटिंग कर देंगे। अच्छे से आप एक लेवल में कटिंग कर लीजिएगा। देखिए मैं पूरा कटिंग कर ली, एक लेवल में आप रखिएगा, अच्छे से सीधा करके आप कटिंग कर लीजिएगा। और देखिए जो हमारा यहाँ थोड़ा कम पड़ रहा था वो भी हम कटिंग कर लिए। अब इस टाइप से आपको जॉइंट करना है। देखिए यहाँ से मैं जॉइंट करूँगी, देखिए यहाँ से मैं इस टाइप से जॉइंट करके ऊपर से फिर मैं सिलाई लगा दूंगी, ठीक है। तो ये जो जॉइंट है हमारा वो अंदर तरफ साड़ी में चल जाएगा, दिखाई नहीं देगा। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करना है। एक बार हम फोल्ड करेंगे और फिर से हम दूसरा बार फोल्ड कर देंगे, ठीक है, साइड में। और पूरे में आपको फोल्ड करना है देखिए इस टाइप से, और नीचे साइड से भी हम फोल्ड करेंगे, देखिए, और पूरे में भी नीचे साइड से भी फोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ मैं जॉइंट लगा ली और ऊपर से भी मैं सिलाई लगा दी, देखिए। तो जॉइंट हमारा अंदर तरफ है, और जिधर से आपका जॉइंट रहेगा उधर से ही आपको इस टाइप से फोल्ड करना है, देखिए जिधर से जॉइंट है उधर से ही साइड में आपको फोल्ड करना है, ठीक है। जब हम साड़ी में इस तरह से रखेंगे तो ये जॉइंट हमारा अंदर चल जाएगा। अब आपको साड़ी उठाना है, देखिए, और साड़ी को पहले आपको फैलाना है, और पहले आपको चेक करना है कि हमारा नीचे साइड किधर है। देखिए ये हमारा नीचे साइड है, और ये हमारा ऊपर साइड है, देखिए। तो आपके पास अगर जैसे बॉर्डर लगा होगा आपके साड़ी में तो उससे आप पता कर लीजिएगा, या तो डिज़ाइन बना होगा उससे आप पता कर लीजिएगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप साड़ी में फॉल लगाएंगे तो आप ज़मीन पे बैठ के लगाइए, या तो आपके पास कोई टेबल होगा तो टेबल पे रख के लगाइए,
ठीक है, इससे क्या होता है फॉल अच्छे से फिनिशिंग आती है। तो देखिए साड़ी को आपको अच्छे से फैलाना है। तो यहाँ देखिए साड़ी का हमारा लास्ट है, तो यहाँ से हम फॉल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको हाथ से नाप लेना है, इस टाइप से यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। और इंची टेप का बोलूँ तो आप 8 इंच 10 इंच दूरी में लगाइए, ठीक है। अब देखिए मैं बताती हूँ, ये जो जॉइंट है तो जॉइंट को हम ऐसे रखेंगे साड़ी के ऊपर, तो ये जॉइंट जो है वो अंदर तरफ दब जाएगा, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। और ये जो फोल्ड कर रखी हूँ मैं, तो फोल्ड जो है वो भी अंदर तरफ चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सुई में आपको धागा किस टाइप से डालना है। पहले आपको धागे को डबल करना है, देखिए मैं डबल कर रही हूँ। उसके बाद आपको सुई में डालना है डबल धागे को, फिर एक धागा को हम छोटा रखेंगे और एक धागा को हम लंबा रखेंगे। देखिए तो यहाँ से मैं तोड़ दी, अब यहाँ हम गांठ लगा देंगे। तो देखिए एक धागा हमारा लंबा में जा रहा है और एक धागा हमारा छोटा है, इसी तरह से आप ले लीजिएगा। इससे क्या होता है धागे में गांठ नहीं लगती है। अब हम फॉल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम पूरा नीचे साइड लगाएंगे, उसके बाद हम ऊपर साइड लगाएंगे। तो देखिए पहले आपको सुई डालना है फॉल में, ताकि ये गांठ है जो अंदर तरफ छुप जाए, देखिए इस टाइप से। उसके बाद आपको हल्का साड़ी पकड़ के फिर सिलना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखिए ऊपर साइड से हम दो दो पॉइंट के दूरी में सुई को डालेंगे और नीचे साइड से हम हल्का सुई को निकालेंगे, ठीक है। देखिए कुछ इस टाइप से, देखिए यहाँ से हम डालेंगे दो पॉइंट के दूरी में और नीचे तरफ हम हल्का सुई को डालेंगे। उंगली आपको नीचे ही रखना है जहाँ आपका सुई जा रहा है, जैसे आपका उंगली में सुई हल्का सा लगे फिर आप सुई को ऊपर कर दीजिएगा, तो इससे क्या होगा आपका जो टाका है वो छोटा छोटा ही नीचे तरफ से आएगा, ठीक है, सीधे तरफ से। उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, जैसे अगर आप संभाल पा रहे हैं तो आप दो तीन बार सुई को डालिए और एक ही बार निकाल लीजिए। देखिए कुछ इस टाइप से दो तीन बार डालिए और एक ही बार आप खींच लीजिए, ठीक है। और अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप एक एक करके डालिए और निकालिए। देखिए कुछ इस टाइप से लगा हुआ है, ये लाइट पिंक है इसलिए क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, आप मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए फिर से यहाँ मैं लगा रही हूँ, देखिए इस तरह से आपको सुई को डालना है दो तीन बार और फिर निकाल देना है। और चार पांच बार जैसे सुई को डालने के बाद में आपको धागे के पीछे से सुई को डालना है और फिर निकालना है, तो इससे क्या होता है गांठ लग जाती है और धागा खींचती नहीं है। जैसे पायल या बिछिया पहनते हैं तो उसमें फंस के फिर धागा खींचा जाता है, तो ऐसे करने से गांठ लग जाती है। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, इस तरह से कैंची को दबा देना है। कैंची दबाने से क्या होता है फॉल लगाने में आसान पड़ती है, जैसे यहाँ से दबा रहता है और यहाँ से फटाफट आप लगा लीजिए, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पैर भी रख सकते हो, और पैर नहीं रखेंगे तो आप बढ़ते जाइए लगाते जाइए और कैंची को उठा उठा आगे रखते जाइए, ठीक है। इसे बहुत फास्ट लग जाती है, या तो फिर आप पैर को दबा दीजिए। तो देखिए यहाँ मैं लास्ट तक लगा ली, और लास्ट में आपको दो तीन बार घुमा देना है ताकि मजबूत हो जाए, टूटे ना। मैं पूरा वीडियो नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए। तो देखिए पूरा मैं नीचे तरफ लगा ली। अब आपको क्या करना है वो अब समझिए, देखिए अच्छे से आपको रखना है सीधा करके, देखिए अच्छे से बैठा के रखना है। उसके बाद हम इसके ऊपर पूरे में लंबा टाका धागा लगाएंगे, ठीक है, कच्चा टाका लगाएंगे। देखिए पूरे में आपको लगाना है, दो दो इंच पे आप टाँगते जाइए, साड़ी को खिसकाते जाइए और पूरे में टाँगते जाइए, ठीक है। पूरे में ऐसे करना है आपको, मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ हमारा लास्ट हो गया, तो ऐसे ही आप पूरे में टाका लगा लीजिएगा, दो दो इंच के गैप में लगाना है, ज़्यादा गैप में आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ कोने पे भी आपको अच्छे से संभालना है और यहाँ भी आप फंसा दीजिए। साड़ी को आपको अच्छे से बैठाते जाना है, आप लापरवाही नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको दोबारा खोलना पड़ जाएगा।
तो देखिए पूरे में मैं लगा ली, देखिए पूरे में कच्चा टाका मैं लगा ली। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको लगाना है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, फिर इधर से ही लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और जब आप इधर से लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपका साड़ी में पक्का झोल आ ही जाएगा और आपको फॉल दोबारा खोलना पड़ जाएगा, तो ऐसा आप नहीं कीजिएगा। देखिए आपको करना क्या है, जैसे कि नीचे साइड हम उल्टा तरफ से लगाएं फॉल को, और ऊपर साइड हम जब भी लगाएंगे तो हम सीधे साइड तरफ से लगाएंगे। तो देखिए साड़ी को आपको सीधा करना है, देखिए इधर से मैं सीधा कर दी और इस साइड में पलट दी। देखिए जब भी आप फॉल लगाएंगे इस साइड से आप लगाइएगा सीधी साइड से, और इधर से आपको लगाना है। जैसे कि देखिए ये साड़ी का हमारा लास्ट है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा साड़ी का लास्ट है, और नीचे तरफ हम लास्ट तरफ से स्टार्ट किए थे लगाना और उल्टे साइड तरफ से, और जब हम ऊपर तरफ लगाएंगे तो हम ऊपर साइड से लगाएंगे सीधी साड़ी तरफ से, ठीक है, जिधर से हमारा साड़ी सीधी है। तो यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ हम धागे को डाली, देखिए इस टाइप से, और धागे को पहले फॉल में डालना है ताकि जो गांठ है वो छूप जाए। तो दो तीन बार ऐसे आपको घुमा देना है, उसके बाद यहीं से सुई को आपको ऊपर कर देना है। देखिए तो नीचे से मैं सुई को डाली और ऊपर साइड से सुई को निकाल ली। तो ये साड़ी का हमारा सीधा साइड है, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। तो देखिए नीचे साइड हम दो दो पॉइंट की दूरी में धागा को निकालेंगे और ऊपर साइड हम छोटा छोटा टाका निकालेंगे, ठीक है। जैसे मैं धागा है तो धागे के पीछे से आप सुई को डालिएगा तो बहुत सुंदर आपका छोटा छोटा ही जो ऊपर से जो धागा है वो छोटा छोटा ही दिखेगा, ठीक है। देखिए देखिए मैं धागे के पीछे से सुई को डाल रही हूँ और निकाल रही हूँ, तो धागा ऊपर से आपका बिल्कुल दिखाई नहीं देगा और बहुत अच्छा फॉल लग जाएगा और कहीं से भी फलक नहीं आएगा जब आप इस तरह से लगाएंगे। देखिए धागे के पीछे से मैं सुई को डाल रही हूँ और ऐसे निकाल रही हूँ। देखिए ये साड़ी का सीधा साइड है, तो ऊपर से हम छोटा छोटा ही निकालेंगे और नीचे साइड से हम दो दो पॉइंट की दूरी में निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए तो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप फॉल लगाएंगे, चाहे कोई भी साड़ी हो, चाहे सिल्क हो, चाहे कॉटन की कोई भी साड़ी हो, अगर आप ऊपर साइड से ऊपर तरफ जब भी आप फॉल लगाएंगे तो ऊपर साइड से आप फॉल लगाएंगे तो आपका झोल कभी नहीं आएगा साड़ी में। तो देखिए इस टाइप से आपको कैंची को दबाते जाना है और पूरा फॉल लगाते जाना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो कैंची को अब आगे बढ़ा के दबाते जाइए और फॉल लगाते जाइए। और मैं आपको बताती हूँ कि जब आपका धागा लास्ट हो जाए, देखिए यहाँ खत्म होने वाला है हमारा धागा, तो यहाँ से आपको कैसे लगाना है। देखिए सुई को मैं नीचे तरफ डाली और यहाँ से मैं गांठ लगा दी, गांठ लगा के ही आपको खोलना, नहीं तो आपका फॉल खुल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ मैं गांठ लगा दी, फिर धागे को मैं कट कर दी, फिर से हम सुई में धागे को डालेंगे, फिर से हम नीचे तरफ से ही धागा को डालेंगे। देखिए पहले मैं फॉल में डालूंगी धागा को, फिर गांठ को मैं अंदर कर दूंगी, उसके बाद में फिर साड़ी में डालूंगी, ठीक है, हल्का सा पकड़ के। फिर सुई को हम ऊपर साइड कर लेंगे, देखिए इस तरह से आपको ऊपर कर लेना है और उसके बाद फिर आपको लगाते जाना है। तो देखिए यहाँ हमारा फॉल का लास्ट है, तो लास्ट में आपको थोड़ा दो तीन बार घुमा देना है ताकि खुले ना, और ये जो लास्ट में हमारा खुला पार्ट है उसमें भी हम लगा देंगे। लास्ट में आप ऊपर से लगाइए या नीचे साइड से लगाइए, जैसे सीधी साइड से लगाइए या उल्टा साइड से लगाइए, आसानी से लग जाता है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं आता है, ठीक है। फलक आता है साड़ी में ऊपर साइड से, जैसे अब मैं अभी आपको बताई उधर से, ठीक है, तो उधर से कभी भी आप ऊपर साइड से ही लगाइएगा तो आपसे बहुत अच्छा फॉल लग जाएगा। और जब भी आप लास्ट में आएंगे, जैसे फॉल के लास्ट में, तो आप दो तीन बार घुमा दीजिएगा ताकि खुले ना।
तो देखिए यहाँ मैं पूरे में लगा ली। अब जो ये टाका में लगाई थी कच्चा टाका, उसे हम तोड़ के निकाल देंगे। देखिए अब जो यहाँ से हमारा एक साइड से बचा हुआ है उसे भी हम यहाँ से लगा देंगे। जैसे मैं आपको बताई थी कि यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप उल्टा साइड से लगाइए चाहे आप सीधा साइड से लगाइए, तो यहाँ मैं उल्टा साइड से ही लगा दे रही हूँ। देखिए तो देखिए मैं पूरे में फॉल लगा ली। देखिए कुछ इस टाइप से लगा हुआ है, कहीं से भी झोल नहीं आया, आप देख सकते हैं। देखिए पूरा परफेक्ट तरीके से लगा हुआ है देखिए, और इसमें प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना सुंदर लगा हुआ है, कहीं से भी झोल नहीं है। तो इसी तरह से आप लगाइएगा तो आपसे बहुत अच्छा लग जाएगा। तो मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी वैसे आप तक पहुँच जाएगा।